हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट का 9 नंबर का लेक्चर ले रहे हैं। आपको पता है कि बॉयड सर्वर्ट लॉ, ये चैप्टर को हम लोग बिल्कुल यहाँ पे चेंज कर रहे हैं चैप्टर को। मतलब क्या था, इसके पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, उसमें हम लोगों ने चार्ज रखा, चार्ज रखने से वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगती थी और वो भी मुहिम चार्ज होना बहुत जरूरी था। फिर उसके अलग अलग केस देखे कि स्ट्रेट लाइन कब घूमता है हमारा चार्ज पार्टिकल, कब गोल कब घूमता है, उसके भी कंडीशन देखा है। उसके बाद में बच्चों आपको मैंने कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग वायर रखा, तब उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लगती है, इसीलिए हम लोगों ने MCG जहां पे टॉर्क लगता है, जूम जूम ऐसा टॉर्क लगता है बच्चों, ये भी सवाल देखा है। उसके बाद में बच्चों हमने ये जो आज जो हम लोग पढ़ने वाली जो चीज है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ अ वायर, वो पूरा भी देखने वाले वायर, गोल वायर रहा तो भी, हाफ रहा तो, सेमी सर्कल रहा तो, 1/4 रहा तो, सभी चीज पढ़ने वाले हैं धीमे धीमे। तो थोड़ा सा बच्चों आपके लिए एक मिनट के लिए एक रिव्यू होने वाला है, क्योंकि बच्चों हमने देखा था कि कोई कंडक्टर में से अगर मैग्नेटिक फील्ड जारी हो तो उसके छोटे से टुकड़े, पूरे वायर में से करंट फ्लो रहा उससे नहीं बच्चों, छोटा टुकड़ा ले लिया, उसका नाम डीएल लिखा था, और कोई पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसे हम लोगों तो बॉयन सर्वेंट लॉ पढ़ाता है जो आर दूरी पे हो। और ये जो डीएल का डायरेक्शन, ये करंट के डायरेक्शन में होता है बच्चों, डीएल जो वेक्टर होता है ना करंट के डायरेक्शन में होता है, ध्यान रखना है, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसको वही वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं। और जो एंगल लेते हैं बच्चों इन दोनों के बीच में, एंगल किसके किसके, डीएल और आर के बीच में, क्यों बच्चों, क्योंकि हमने स्क्रू रूल्स पढ़ा था, स्क्रू रूल्स, डीएल से आर की तरफ देखो मेरा मार्कर अंदर अंदर जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है अंदर, और समझ भी आ रहा है, ऐसे भी देखो तो देखो अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में लिखा था बच्चों μ04π I, ठीक है, यहां पे लिखा था हमने डीएल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ये फॉर्मूला हमने देखा था। ये है बच्चों वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन दिखाने के लिए, और डायरेक्शन किधर इस डीवी का अंदर, देखो डीएल से, देखो डीएल से आर की तरफ, डीएल से आर की तरफ, देखो मेरा मार्कर अंदर जा रहा है, ठीक है, डीएल से आर की तरफ दिखाई दे रहा है बच्चों, ये अंदर जा रहा है। उसके साथ में बच्चों मैं बताना चाहता हूं आपको, कभी भी ध्यान में रखना है, ये जो होते हैं ये इस चीज को परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब ये जो बी है बच्चों ये डीएल परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। उसके बाद में बच्चों जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो क्या मतलब, ये अगर आप लोग लिखते हो सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो बच्चों सी को परपेंडिकुलर था ए बी और बी भी परपेंडिकुलर था, ये बात ध्यान में रखना चाहिए, मतलब ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी डी बी को हमारा परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, और होता ही 100% वैसे वही कंडीशन है, हम लोग यहाँ पे आपका जो रूल्स है बच्चों है ना क्रॉस प्रोडक्ट वाला, इसलिए लगाते हैं, बात समझ में आई भैया। इसी के साथ बच्चों ये फार्मूला ज्यादा फेमस नहीं है हमारे लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ज्यादा करके हमारे पास ये फार्मूला फेमस है μ04π I dl sin θ / r², बात समझ में आ रही भैया, अब बोलेंगे यहाँ पे आर क्यूब यहाँ पे आर स्क्वेयर, क्योंकि बच्चों ये आर आर मर जाएगा और आर स्क्वेयर रहेगा और क्रॉस प्रोडक्ट होने के कारण साइन। बच्चों हम लोग यही फार्मूले को ज्यादा फेमस कर दिया हमने, क्योंकि इसी के ऊपर हम लोगों को न्यूमेरिकल जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं सीईटी नीट जेडब्ल्यू लेवल पे सभी इसी के ऊपर ज्यादा करके आते हैं। तो ये बात समझ में आती होगी भैया, कोई टेंशन नहीं होगी आई थिंक, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है चलो बढ़ना है आगे, ओके। अगर बच्चों यही कहानी अगर स्ट्रेट कंडक्टर हो, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हो और इसमें अगर ऐसा करंट फ्लो, देखो आपके बुक्स में नहीं क्या बच्चों उल्टा किया है, ऐसा करंट फ्लो किया, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, एक ही मतलब है दोनों का, ठीक है ना। तो करंट फ्लो हो रहा है बच्चों कोई इस पे, पूरे वायर पे जो करंट जो फ्लो हो रहा है उससे तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, तो क्या करते हैं
छोटे टुकड़े की स्टडी करते हैं डीएल की, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, और सबको इकट्ठा करते। क्या प्रोसेस है बच्चों इकट्ठा करने का? वो प्रोसेस है बच्चों हमारे पास इंटीग्रेशन की। तो हमने माना कि चलो यहां पे एक टुकड़ा ले लिया डीएल, कोई पॉइंट है बच्चों पी, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है आर दूरी पे। तो बच्चों हमने परपेंडिकुलर डाला था, याद होगा आपको, उसका नाम आर बोला था। यहां से यहां जो दूरी, इसको स्मॉल एल बोला था। यहां पे 90 माइनस थीटा, इसको थीटा बोला था, याद है बच्चों, है ना। इन्फिनाइट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इन्फिनाइट वायर बच्चों, तब मैग्नेटिक फील्ड मिलती थी हम लोगों को म्यू जीरो आई अपॉन ट्वाइस पाई आर, याद होगी बच्चों, यही मिली थी, याद है मुझे, म्यू जीरो आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई आर, इतनी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे मिली थी, इस पॉइंट पे, ठीक है। जैसे ऊपर वायर वैसे नीचे भी किया था हम लोगों ने, तो इसी के दौरान हम लोगों ने इक्वेशन ऑलरेडी किया था। अगर किसी ने बोला सेमी, सेमी मतलब आधी, अपर या लोअर, कोई भी पकड़ो, ठीक है, कुछ नहीं बच्चों, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, तो बी इज इक्वल टू आपको म्यू जीरो आई टू टू जा फोर पाई आर, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मिलेगी। कब बच्चों? सेमी अगर इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग वायर हो तब की बात चल रही है। बात समझ में आई? ये फार्मूला याद हो गए बच्चों आपको, ये फार्मूला इज वेरी फेमस, है ना। ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर हो, इनफिनाइट वायर है बच्चों, ठीक है ना। मैंने एक आपको बच्चों एक बात पता होना चाहिए, मैंने आप लोगों को एक फार्मूला लिख के दिया था म्यू जीरो आई टॉइस पाय आर, याद होगा, साइन थीटा वन बोलो थीटा टू कुछ भी फाई जो भी एंगल बोलना बच्चों। क्यों बोला था ये जैसे थीटा वन बोला तो इसको थीटा टू बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे समय पे भी हम लोग ऐसे कर सकते थे, ओके। तो ये बात छोड़ दो, अपने को ये फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग ये और यही फार्मूला पढ़ते हैं। तो चलो भाई, जो आप लोगों को फार्मूले पता लगे हैं, क्योंकि इसके पहले जिसने मेरा लेक्चर ना देखा हो, देखना तो बहुत जरूरी है, ना देखा हो तो उनके हेल्प करने के लिए फार्मूले लिख के दिए मैंने, ठीक है। तो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर। तो सबसे पहले आपका हेडिंग तो ऊपर लिखा वाला है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ अ वायर। मतलब बच्चों आप लोगों को यहां पे कोई सर्कुलर आर्क लिखनी है, मतलब जैसे कि ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है, आपके बुक्स में दी वाली ऐसी, ये वायर है, उसका नाम ए बी रखा, कुछ भी रखो यार आपकी मर्जी। इसमें से आय नाम का करंट फ्लो हो रहा है, और हम लोगों को कहां निकालनी बच्चों? सेंटर पे। तो ये सर्किल जूम, तो ये कुछ होगा इसका सर्कल, ये जूम ऐसे होगा कि नहीं, उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये ठीक है। यहां पे एंगल होगा बच्चों थीटा, और ये आपका आर दूरी पे है, और हमने यहां पे स्मॉल एक टुकड़ा 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 कट कर दिया, और उसका नाम डीएल रखा है। आपको पता है टेंजेंशियल होता है वेक्टर फॉर्म में, और ये आ रहे, बात समझ में आ रही भैया? मुझे इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट लिखा हो आपके बुक्स में, ओ लिखा हो तो ओ लिख सकते, आपकी मर्जी जो चाहते हो कर लो। और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डीबी इतनी है, तो इस कंडक्टिंग वायर, ये आर्क है, आर्क सर्कुलर आर्क है बच्चों, है ना, सर्कल का कुछ टुकड़ा हमने काट लिया, और उस काटने से हम लोगों को यहां पे तो राइट हैंड रूल निकाल के डीबी का डायरेक्शन बता सकते। देखो ये थंब करना है बिल्कुल बच्चों करंट के डायरेक्शन में, और मैग्नेट पे जूम। अगर किसी ने कहता है, किसी ने कहता है सर अब बताओ, देखो तो यहां पे करंट आईसी है, या करंट आईसी देखो, नीचे देखो, अंदर से बाहर आना पड़ रहा है, देखो सेंटर पे निकालना है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे, किसी ने पूछा, तो देखो जूम ऐसे अंदर जाके बोर्ड के अंदर, मेरा हाथ अंदर जा रहा है, देखो ये चार उंगलियां अंदर जा रही है, करंट के डायरेक्शन थम है, जूम अप की तरफ, तो ये डायरेक्शन था यहां पे, यहां पे जो डायरेक्शन मिल रहा है बच्चों मुझे क्रॉस में मिल रहा है, क्यों? क्योंकि अंदर देखो अंदर जा रहा है, जूम जूम देखो दिखाई दे रहा है बच्चों, जूम अंदर, समझ में आ रहा है, यहां जूम अंदर अंदर देखो अंदर गए मेरी उंगली, इस पॉइंट पे देखना है, देखो कौन से पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ये सोचना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, पॉइंट नहीं समझते, यहां पे सेंटर में बोला था आपको, तो सेंटर पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर जाके यहां से वापस आपकी तरफ आ रही है, जूम ऐसे, समझ गए, कोई टेंशन है। तो चलो बच्चों हम लोग ने क्या डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक बात ध्यान रखना आप लोगों को, थोड़ा सा मैं लॉजिक आपको क्लियर कर देता हूं, कभी भी ध्यान रखना कोई सर्कल हो और इस
सर्कल के कोई पॉइंट है, जैसे कि एक पॉइंट है यहाँ पे ए नाम का, यहाँ पे सर बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, इतने पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई भी इस पॉइंट से सेंटर को लाइन जोड़ना है, क्यों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी। देखो ये तो बच्चों ध्यान देना है कि यहाँ पे वो परपेंडिकुलर होते हैं, 100% होती भैया, 100% होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी भी ध्यान रखना है कोई सर्कल का या आर का पॉइंट और सेंटर से कोई लाइन पास हो तो परपेंडिकुलर होती है। आई विल रिपीट बच्चों, कोई सर्कल का जो आर्क है उस पर कोई पॉइंट हो, उस पॉइंट से सेंटर के तरफ जाना है मुझे, जूम जूम ऐसे जाना है, सेंटर के तरफ जाना है, तब ये परपेंडिकुलर होती है इस आर्क को, ये लाइन। जैसे कि बी भी निकालोगे तो भी बच्चों ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, इससे भी, लेकिन सेंटर से पास होना बहुत जरूरी बच्चों, सेंटर से पास हुई तो ही परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये। आप बोलेंगे सर आप बताओ, नहीं ये नहीं होगी बच्चों, हो भी सकती नहीं भी हो सकती है, मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन सेंटर से पास होना बहुत जरूरी है। जो लाइन सेंटर से पास हो वहां पर 100% बच्चों ये परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये भी परपेंडिकुलर होगा, श्योर शॉट बच्चों, बिल्कुल आंखें बंद करके लिखना है आप लोगों को, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चों। इस लाइन को किसी ने बोला कि चलो सर ये परपेंडिकुलर है क्या, नहीं बच्चों ये परपेंडिकुलर नहीं होगी, परपेंडिकुलर अगर आप लोगों को करना है यहां आर्क पे तो आपको सेंटर से पास होना होगा, कोई पॉइंट में से, मतलब आर का कोई पॉइंट हो और सेंटर कनेक्ट हो तब वो परपेंडिकुलर श्योर एंड शॉर्ट होता है बच्चों यहां पे, मतलब ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर। ये बुक्स में आपको अच्छी तरह से नहीं दिया इसलिए मैं बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, मुझे पता है टाइम वेस्टेज हो रहा है आपका, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस यार भाई। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, सर मुझे बताओ बॉयंट सर्वेंट लॉ क्या है आपका, तो आपने अभी अभी तो बताया सर कि जो कि पॉइंट सर्वेंट लॉ है आपका, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे, तो हमने यूज किया है म्यू जीरो फोर पाई आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, सही बच्चों। इसी को बच्चों स्केलर फॉर्म में लिखना है तो डीबी म्यू जीरो फोर पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा यहां पर आपको क्लियर कर देता हूं। म्यू जीरो फोर पाई डीबी की वैल्यू है, सॉरी तो यहां पे आई डीएल आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर क्यूब, तो आर से आर मर गया तो ये आर स्क्वायर ही बाकी रहेगा, समझ में आ रहा है ना ये, ठीक है ना। अरे इसको क्रॉस प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी रहा तो ए बी साइन थीटा लिखते हैं, समझ में आ रहा है, ओके सर। लेकिन सर यहां पर जो थीटा है, थीटा किसके बीच में क्या होता है, आई विल रिपीट बच्चों, आर और डीएल के बीच में, ये थीटा नहीं है, गलत मत करना बच्चों, ये थीटा नहीं है, वो थीटा कौन सा है, वो ये थीटा होता है, हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, ये जो थीटा लिखते हैं ना हम लोग बॉयंट सर्वेंट लॉ में, तो ये डीएल और आर के बीच में का होता है। आई विल रिपीट बच्चों, डीएल क्रॉस, देखो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, देखो स्क्रू, ये डीएल क्रॉस आर, ये इसके बीच में का, और इसमें बीच में हमेशा अगर सर्कल जब भी हो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं भैया, अब अपना दिमाग लगाओ कि सिंपल सा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब भी सर्कल में कोई आर्क का और सेंटर का पॉइंट जोड़ने वाली जो लाइन होती है तब यहां पे जो एंगल होता है वो 90 होता है बच्चों, 100% होता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं भैया। तो इस थीटा को हम लोग 90 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देखो डीबी वी जीरो फोर पाई आई डी एल साइन 90 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ओके। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं भैया, तो यहां पे मुझे डीबी मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड, वो मिल रही है भैया और म्यू जीरो फोर पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 91 होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है ओए। लेकिन बच्चों मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, यहां पे आप डायग्राम के ऊपर आओ, हमारी डायग्राम बच्चों आर्क के लिए, किसके लिए आर्क, अच्छी बात है। तो यहां पे हम लोग ने क्या पूरी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे अंदर ये तो बात समझ में आ, जूम 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 जूम, आए सर कितने बार, चलो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। सबसे पहले मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इंटीग्रेशन में रखना पड़ेगा, सही है भाई। चलो तो यहां पे बी डीबी की वैल्यू मुझे पता है म्यू जीरो फोर पाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो बी
म्यू जीरो फोर पाई कॉन्स्टेंट होता है। बहुत बार बोल चुका बच्चों, म्यू जीरो फोर पाई की वैल्यू होती है 10^-7, है ना, टेस्ला एम्पियर पर मीटर, ठीक है ना। तो आई बी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन डीएल बाय आर स्क्वायर, सर आर बी कॉन्स्टेंट है, हाँ बराबर है, निकालना है तो निकाल लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके बुक्स में नहीं दिया। इस आर स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि बच्चों ये सर्कल का रेडियस है हर टाइम, तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा। चलो तो भी हाँ सर, डीएल क्या होगा, डीएल क्या होगा, मैंने बोला ये डीएल टू यूएल, क्योंकि बच्चों इस पॉइंट से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, बाद में एंगल बढ़ रहा है, बाद में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। देखो पहले अगर आप लोग सोचोगे ये आपका आर्क है, ठीक है, ये आपकी डायग्राम है, पहले इतने ही एंगल पे हमने इस डीएल के लिए निकाला, बाद में बच्चों इस डीएल के लिए निकाला, बाद इस डीएल के लिए निकाला, बाद में 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 इस डीएल के लिए निकाला, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए बच्चों, छोटे 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 टुकड़े कर कर करके बाद में हम इंटीग्रेशन में डाल रहे। मतलब बच्चों एंगल देखो थीटा ये चेंज हो रहा है, जूम 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 जूम, मतलब बच्चों यहाँ पे थीटा वन, यहाँ पे थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा थ्री फोर, डैश 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 डैश, थीटा बढ़ रहा है ना, मतलब बच्चों थीटा चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, अच्छी बात है। और ये डीएल 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 जोड़ना है मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डी थीटा बोलेंगे हम लोग, चेंज हो रहा है इसलिए। लेकिन एंगल का फार्मूला क्या बच्चों, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, वाई बाई वाई, तो डी थीटा, आर्क लेंथ क्या बच्चों डीएल है, ओके, और रेडियस क्या बच्चों आर है, मुझे डीएल की वैल्यू पुटअप करनी है, तो इसलिए मैं देयर फोर डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा कर सकता हूँ, आर डी थीटा, चलो वैल्यू पुटअप कर रहा है, समझ में आ रहा है ना भैया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो फोर पाई आई इंटीग्रेशन, डीएल की वैल्यू मेरे पास आर डी थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, क्वेश्चन बच्चा आर इंटू डी थीटा, डीएल की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, एक आर से एक आर मर गया और बचा है मेरे पास म्यू जीरो आई फोर पाई स्मॉल आर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा का मतलब क्या है, थीटा एक ही थीटा है ना, इंटीग्रेशन तो आता भैया, नहीं तो हमारे दिनेश सर पढ़ा रहे मैथमेटिक्स, बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाते हैं, तो सीख लेना उनसे, ठीक है ना। तो डी थीटा की वैल्यू थीटा रखी मैंने, ठीक है, पढ़ाई वाले चैनल पे जाओ बच्चों, आपको सब कुछ इसके डेटा दिनेश सर की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा ये। तो चलो बच्चों हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे जो फार्मूला मिल रहा है मुझे, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो फोर पाई आर आई इंटू थीटा, जानबूझकर नहीं लिखा तो भी बाहर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो म्यू जीरो फोर पाई आई बाय आर इंटू थीटा। वाह, मतलब बच्चों जो आर्क होता है ना, ये आर्क इस थीटा पे डिपेंड है, अब ये थीटा नहीं है, वो इस थीटा पे डिपेंड, ये थीटा है बच्चों, आप क्योंकि ये जो थीटा निकाला आर्क कैसे निकालते हैं, आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ये थीटा ये है, और ये जो थीटा है बच्चों, ये थीटा वाला हमारा डीएल एंड आर्क के बिटवीन है बच्चों, बिटवीन है कौन सा, ये थीटा वाला, ठीक है, ये बॉयन सेरमेंट लॉ में इस्तेमाल करते हैं, यही गलती करते हैं बच्चे, ये थीटा बच्चों यहां है डीएल और आर के बीच वाला, और जो फाइनली मिला है मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, तो बच्चों ये थीटा इस पॉइंट पे, वो पॉइंट पे मिल रहा है। और एक बात ध्यान में रखना बच्चों, थीटा इन रेडियन में होना बहुत जरूरी, डिग्री में नहीं, रेडियन में, रेडियन समझते हो ना, रेडियन है ना, तो रेडियन में होना, जैसे कि पाई की वैल्यू बच्चों हम लोग, किसी ने रेडियन में पूछा तो 3.14, और वही डिग्री में पूछी तो 180 लिखते हैं हम लोग, ये फर्क होता है ना, रेडियन में ही है और ये डिग्री में है, तो ये चीज आपको आना चाहिए बच्चों। तो ये एंगल हम लोगों को एक ही हक है, हमारा हक है उसके ऊपर कि आप लोगों को रेडियन में रखना पड़ेगा, डिग्री में नहीं रख सकते, समझ में आ रहा है बच्चों। फाइनल फार्मूला आपको मिला है म्यू जीरो फोर पाई आई बाय आर इंटू थीटा, विज वेरी फेमस फार्मूला बच्चों, जब सर्कुलर आर को, क्या सर यहां पे आपको दिखाई दे रहा भैया, सब कुछ दिखाई दे रहा है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा सा सोचो 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 और क्या कर सकते सर, ठीक है, इस आर के लिए किसी ने बोला कि सर मुझे सर्कुलर पाथ रही तो, ये कंडक्टर सर्कुलर रहा तो, मतलब पूरा सा कंप्लीट जूम, ये मेरा इतनी ड्राइंग अच्छी नहीं भैया,
समझ लेना कि ये वायर है और इस वायर में से भी ऐसे ही करंट क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े काटना पड़ेंगे मुझे, आप छोटे 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 टुकड़े काटना है, बराबर है बच्चों। आप लोगों को एक और एक आइडिया बता दूं सीधी सीधी कि यहां पे सीधी सीधा काम कर सकते बच्चों, जनरल फार्मूला मान सकते। मुझे बता बच्चों, अगर कोई चीज यहां से जा रही वापिस वही आना है तो थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया बच्चों सर्कल के लिए 2π, सर्कल के लिए 2π। वैल्यू पुट अप करो यहां पे म्यू 04π आई इंटू आर, थीटा की वैल्यू 2π, पाई से पाई को मरवा दो 2 2 4, तो बी इज इक्वल टू म्यू 0 2 I/R। ये बच्चों जब भी सर्कल आए और किसी ने बोला कि सर्कल के मिड पॉइंट की, मिड मतलब सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो म्यू 0/2 I/R पक्का आना चाहिए बच्चों। ये फॉर्मूला जिन लोगों को याद देना, बिल्कुल आप लोग टक्कर मार सकते हो इस इक्वेशन को। बहुत ही इजी और हलवा सा क्वेश्चन है, म्यू 0/4π I/R इंटू थीटा, थीटा समझ में आना चाहिए, सर्कल है तो 2 π। चलो ये होगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड काहे की, बच्चों सेंटर पे कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है डीबी इस पे, ठीक है। आप लोगों को बच्चों साथ साथ में बता देता हूं, किसी ने कहा है कि सर हम लोगों को दो मेथड से, अभी किसी ने कहा कि चलो हाफ सर्कल बता दो सर, हाफ सर्कल कुछ नहीं बच्चों, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, हाफ से मल्टीप्लाई करो, बस हाफ सर्कल की किसी ने बताया मतलब इस पॉइंट पे बता दो, इस हाफ सर्कल की, ओनली इस हाफ सर्कल की, तो आप क्या बताओगे फिर, म्यू 0 2 2 4 I/R। ये किसकी बच्चों, सेमी सर्कल, दिखाई दे रहा भैया सेमी सर्कल। क्या किया बच्चों मैंने, कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग लगा दिया, क्या किया आधा कर दिया, तो हाफ से। किसी ने कहा कि चलो 1/4 इतने पार्ट की, चलो पेन मार्कर अलग इस्तेमाल करके बताता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना, आप बताए चलो इतने पार्ट की बताओ, इतने सॉरी मतलब इतने पार्ट्स की आप, ठीक है। मुझे बताओ इस फार्मूले को क्या करना पड़ेगा बच्चों, सिंपल से बात है, बी इज इक्वल टू म्यू 0/2 I/R, ये 1/4 है ना, तो 1/4 करो, बस खत्म किस्सा, बी इज इक्वल टू म्यू 0/8 I/R। ये किसकी है बच्चों, ये 1/4 पार्ट की, बात समझ में आ रही है, ओके। मतलब हम लोग सर्कल की, इस फार्मूले से सर्कल की निकाल सकते हैं, आप लोग थीटा की वैल्यू निकाल के भी लग सकते हैं, जैसे कि यहां पे जो निकाली बच्चों मैं निकाल सकता हूं यहां पे देखो कहां निकालू, यही निकालता हूं, देखो बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपना 4π फार्मूला है I/R, थीटा कितना होगा बच्चों हाफ सर्कल के लिए, पाई, तो देखो पाई पाई मर गया, देखो म्यू 0 I/4R है कि नहीं, यहां पे भी वैसे ही सोच सकते हैं, इसी फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, बी इज इक्वल टू म्यू 0/4π I/R, थीटा की वैल्यू क्या करेंगे बच्चों यहां पे 90 कैसे लिखते हैं, पाई बाय 2, तो पाई से पाई मर गया, 4 8 4 2 8 म्यू 0/8 I/R, मतलब इजी है बच्चों। किसी ने 30 बोला तो क्या करोगे, तो पाई बाय 6 करेंगे, हाँ पाई बाय 6 30 रहा एंगल, किसी ने बोला चलो हम लोगों को यहां पे इतना ही पार्ट लेना है, कितना कितना कितना, चलो मैं इस चीज को मिटा रहा हूं बच्चों, ये कैसे से आपके लिए, आप लोग लिख सकते हो स्क्रीनशॉट निकालो, चलो ये पार्ट थोड़ा सा हम लोग और भी थोड़ा ज्यादा डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों इसके ऊपर नीट JEE CET लेवल पे बहुत बार सवाल आ चुके हैं। किसी ने कहा है कि चलो आप लोगों को इस सेंटर की निकालनी है और यहां से यहां 30 ही जाना है, बस ये थीटा आपका और वो है 30, तो इस पॉइंट पे वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है भैया, इतना बड़ा डेरिवेशन निकालो, इंटीग्रेशन करो, कुछ भी करने नहीं है, कुछ भी करने का नहीं, बस इस फार्मूले को याद करने का है ना, वो भी इजी है। चलो तो बी इज इक्वल टू म्यू 0/4π I/R पाई बाय यहां पे 6 क्योंकि 30 है ना, तो क्या करोगे पाई से पाई मारोगे और ये म्यू 0I/24R हो गया, खत्म किस्सा बच्चों, ओके। लेकिन ध्यान रखना है हम लोगों को यहां पे क्या करना है क्या नहीं, ये सोचना बहुत जरूरी है, उतने पार्ट के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। किसी ने 60 कहा तो पाई बाय 3 आएगा, समझ में आ रहा है ना आपको, 90 120 जो भी दिया वाला है, लेकिन बच्चों
ये मत भूलना, थीटा इन रेडियन में होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप तो मर गए बच्चों, ठीक है ना। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग, बहुत ही डिटेल और जबरदस्त पॉइंट हो चुका है। आपके बुक्स में जो क्वेश्चन दिया है आपके लिए, उसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो बच्चों हम लोग अभी न्यूमेरिकल, जो आपके बुक्स में 10.5 नंबर का एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों, इस सवाल को बहुत शॉर्टकट से सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन बुक्स ने क्या कर दिया है यार, इतना बड़ा सॉल्व करके दिया, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए और सॉल्व करने में मतलब थोड़ी दिक्कत जा रही है। तो मैं आप लोगों को पहले बुक्स में क्या दिया है ये पढ़ाऊंगा, और एंड में बच्चों आपको इस सवाल का शॉर्टकट बता दूंगा कि जो ऐसे हाथों में जादू करके आपको बताने वाला, जू है ना, बिल्कुल जादू करके बताने वाला, ध्यान देना बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को कहा है कि इसका इंडिविजुअली मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आपको पता होना बच्चा ही बच्चों, इस पॉइंट पे अंदर, इस पॉइंट पे बाहर, देखो अंदर, यहां पे अंदर जा रहा है, तो ये किसी ने मैग्नेटिक फील्ड यहां बहुत पूछा तो अपर साइड लोअर साइड ऐसा पूछा, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जूम जूम अप की तरफ, तो बच्चों यहां पे आ रही है डॉट, समझे। यहां पे भी वही हालत है बच्चों, यहां पे भी है, क्योंकि करंट का जो डायरेक्शन है वो सेम है, एक ही डायरेक्शन है। चलो यहां पे भी देखो, इस पॉइंट पे, वो पॉइंट पे, अंदर है अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, वायर हैज द टू स्ट्रेट सेक्शन है, एक ये है, एक ये है, एक आर्क है बच्चों, ये बीच का शोइंग फिगर, डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस द सेंटर। सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है आपको तो पता है, यहां से जूम, ठीक है ना, यहां से अंदर ही आएगी बच्चों, ठीक है ना, ऐसे जूम, ठीक है। चलो तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का तो राइट हैंड रूल इस्तेमाल करके निकालना है। सबसे पहले पार्ट वन देखो, नंबर वन मतलब ये जो पार्ट दिख रहा है बच्चों आपको, इसकी बात चालू है अभी फिलहाल में, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। मुझे बता बच्चों, इसमें करंट ऐसा जा रहा है, ओके, और हमारा रेडियस वेक्टर ऐसे है। अगर किसी ने पूछा यहां कैसा है, तो ऐसे है बच्चों, यहां पे ऐसा, देखो डायरेक्शन ऐसा है बच्चों, ऐसा रेडियस का, यहां डायरेक्शन ऐसा है, मतलब बच्चों करंट जा रही है मेरी ऐसी, ये करंट का डायरेक्शन, और यहां पे ओ सेंटर पे जो रेडियस है, जानबूझकर अलग मार्कर से निकाल रहा हूं भैया, तो ये रेडियस ऐसा है बच्चों, कोई शक है बच्चों, क्या बता सकते हैं मुझे यहां पे थीटा कितना होगा, 180, देखो अपोजिट है बच्चों, अरे यहां पे अपोजिट है ना, ऐसे तो एक इधर है, एक इधर होने के कारण ये 180 हो गया, समझ में आ रहा है ना आपको, ये 180 लग रहा है ना आप लोगों को। तो हमारे पास क्या फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, म्यू जीरो फोर पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है, तो बी थीटा मालूम है, म्यू जीरो फोर पाई आई डी एल साइन थीटा की वैल्यू 180 बच्चों, 180 क्यों लिखा है समझ में आ रहा है अभी, क्योंकि बच्चों रेडियस का ये डायरेक्शन है, रेडियस ऐसे होंगे ना, सभी रेडियस ऐसे डायरेक्शन, देखो ये सभी रेडियस है बच्चों, ये सभी रेडियस है, तो इस रेडियस का ये डायरेक्शन होगा सेंटर से, है ना, आर स्क्वायर। 180 का मतलब क्या है बच्चों, साइन 180 जीरो होता है, याद होना चाहिए बच्चों, साइन 180 जीरो, तो डाल सकते हैं बच्चों, जीरो ही मिलेगा, क्यों बर्बादी कर रहे टाइम, करना है तो कर सकते हैं, मुझे कोई नहीं है, म्यू जीरो फोर पाई आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई पूरे नंबर को जीरो है, श्योर आपको समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इंडिविजुअली बोला, इसलिए इंडिविजुअली निकला, मतलब वन की कंडीशन यह है कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आपको मिलेगी बच्चों जीरो। मैं आपको रीजन भी बता सकता हूं बच्चों, लॉजिकली उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लॉजिकली करोगे तो आपको यह करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, थर्ड के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि थर्ड और ये दोनों सेम कंडीशन, इसलिए देखो ये करंट जा रहा है इधर, दिखाई दे रहा आपको बच्चों, ये करंट का ये डायरेक्शन, और उसके बाद में बच्चों ये जो रेडियस है, ये रेडियस है बच्चों, ओ पॉइंट से जो रेडियस है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम ही, जब एक ही लाइन पे हो, पैरेलल हो बच्चों, डायरेक्शन सेम हो, तो थीटा जीरो, और यहां पे डाल दो बी इज इक्वल टू म्यू जीरो, यहां पे वन लिखो क्या बच्चों, वन बेस ऑफ द वन, वन समझ में आ रहा है आपको, यहां पे लिखो क्या बच्चों, थर्ड के लिए कंडीशन है म्यू जीरो फोर पाई आई डी एल आर स्क्वायर साइन, बच्चों क्रॉस लिखने की जरूरत नहीं है, साइन जीरो जीरो होता है, तो थर्ड कंडीशन में जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो भी जीरो बच्चों, मेरे ख्याल से दिखाई भी दे रहा है, ओए ओके।
उसके बाद में बच्चों जो सेकंड कंडीशन है हमारे लिए ध्यान देना है, सेकंड कंडीशन का आंसर ऑलरेडी आपको पता है तो भी मैं निकाल के दे रहा हूं आपको। इस चीज का दो तीन तरीके से मैं फार्मूला दे सकता हूं, आपको जो फार्मूला दिया है उस तरफ से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर आर्क हो, देखो ये सर्कल है, सर्कल का आर्क है बच्चों ये, तब हम लोग लिखते हैं बच्चों म्यू 04 पाई आई बाय आर मल्टीप्लाई थीटा। ये फार्मूला जनरल फार्मूला है बच्चों, जनरल फार्मूला है, ध्यान देना है जनरल फार्मूला है, कोई भी आर्क हो कितना भी हो। अब हमको तो पता है कि थीटा इज इक्वल टू 180 मतलब पाई बच्चों, और रेडियन में रखना है भैया, 180 डिग्री नहीं रखना है, रेडियन में। ये देखो यहां से यहां, तो बच्चों ये सेकंड की मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका म्यू 04 पाई आई अपॉन आर, थीटा की वैल्यू मेरे पास पाई, पाई से पाई को मार दो तो बी जो सेकंड है यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है म्यू 04 आई बाय आर, या कैपिटल आर रखा तो कैपिटल आर रखो बच्चों, ठीक है आपके फार्मूले कैपिटल आर दिया है इसलिए कैपिटल, कुछ भी रख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी। वही मतलब बच्चों यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो, यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड म्यू 04 आई बाय कैपिटल आर मिल रही है, कोई शक है। और एक तरीका बताओ बच्चों, जिसको सर्कल का फार्मूला पता है म्यू 0 है ना, म्यू 0/2 I/R पता है ना, अरे समझ में आ रहा है भैया, सर्कल जब हो तब सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, इतनी होती है म्यू 0/2 I/R। या दूसरा तरीका, हाँ ये होगी सर्कल, ये सेमी सर्कल है तो मल्टीप्लाई हाफ करो यार, खत्म किस्सा, मतलब मल्टीप्लाई हाफ किया तो 2 2 4 by R। ये R कैपिटल R क्यों रख रहा हूं, क्योंकि बच्चों यहां पे दिया गया है, देखो इंडिविजुअली बोला था फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इस वायर की जो फर्स्ट वायर है इसका फर्स्ट नाम दिया था, थर्ड की भी जीरो, और इसकी जो सेमी सर्कल है बच्चों जो आर्क देखो वन आर्क जो दिया वाला है उसकी है म्यू 0/4 I/R। टोटल निकालनी है तो क्या फर्क होने वाला है, टोटल बी टोटल निकालना है तो सर बी आई प्लस बी सेकंड की बी थर्ड की रख दो सर, ये जीरो है सेकंड की है म्यू 0/4 I/R, ये जीरो, तो टोटल तो उतनी ही मिलेगी जितनी इसकी मिली है, तो बी टोटल निकाल सकते हैं, मतलब इस पूरे ये सेगमेंट के कारण म्यू 0/4 I/R मिल रही है। ये हो गया आपके बुक्स जैसे पढ़ाना। सर शॉर्टकट बताने वाले थे, भूल गए क्या? नहीं बोला बच्चों, मैं एक बात बताऊं बच्चों, मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, ठीक है, आपको तो पता लगा है कि कहां कितनी मैग्नेटिक फील्ड है और टोटल कितनी है, ये आपको पता लगा है, और इसका जो डायरेक्शन है ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, सेंटर पे। सबसे पहले ध्यान रखना है बच्चों, अगर बात ध्यान रखना है, अगर कोई भी जिस पॉइंट से निकालनी है आपको मैग्नेटिक फील्ड, अगर उससे पास करती हो लाइन इस करंट, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है जीरो, प्रूफ करके देना है, प्रूफ करना है बच्चों, प्रूफ तो करके दिया था मैंने, तो भी आपको बता रहा हूं, कभी भी ध्यान रखना है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और ये जो कंडक्टिंग वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, अब देखो यहां पे करंट ऐसा फ्लो है, इसका जो डीएल टुकड़ा लोगे तो डीएल का भी डायरेक्शन सेम है बच्चों, आर का और डीएल का डायरेक्शन सेम है, तो सेम होने से क्या होगा, ये जो डीएल क्रॉस आर जो कर रहे हैं आप लोग, तो डीएल सॉरी ये डीएल आर साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो रहा है बच्चों, बताओ बताओ बताओ, जीरो, तो साइन जीरो, तो ये जीरो, तो ये जीरो होता है, इसलिए ध्यान रखना है जिस पॉइंट पे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, अगर वो लाइन करंट फ्लो होने वाली अगर उसमें से पास होती होगी, उस पॉइंट में से पास होती हो तब मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो समझ में आ रहा था इस पॉइंट में से ये लाइन पास हो रही है, ये देखो पास हो रही है, या इसके सेम एक ही लाइन पे अलाइन कर रही है, ऐसे बोलो। अब बोलेंगे सर ये कहां है, ये तो छोड़ दो आप बता दो, है ना, तो बच्चों इसका अगर आपने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन किया स्ट्रेट लाइन कंडक्टर अगर निकालना चाहते हो, तो उसमें से ओ पॉइंट से पास हो रही है, ये भी हो रही है ये भी हो रही है, तो बच्चों तब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि थीटा जीरो मिलता है वहां पे, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन बच्चों, मतलब हाँ ये सेमी सर्कल, ये तो सर्कल का अगर सर्कल रहा तो सिंपल फार्मूला लगाना है एक तो,
पूरे सर्कल का या म्यू जीरो फोर पा आई बाय आर इंटू थीटा। ये सिंपल फार्मूला बच्चों, जनरल फार्मूला है, कहीं पे भी लगाओ कोई टेंशन नहीं आएगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बच्चों सेंटर पे निकालनी हो तो और सर्कुलर आर्क रहा तो सर कहीं पे भी नहीं, सही मतलब सर्कुलर कोई पाथ थोड़ा आर्क हो, कोई डिग्री पे निकालना है, कुछ करना है और सेंटर पे निकालना है तब ये फार्मूला है। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। उसके बाद में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, कोई कंडक्टर वायर लेंगे, उसको सर्कल करेंगे और उसकी जो एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मतलब ये सर्कल है, जूम जूम सर्कल, देखो ये सर्कल है बच्चों, इस सर्कल से एक्सिस पास करेंगे, एक्सिस समझते हो ना, हाँ सेंटर से एक्सिस पास कर रहे हो बच्चों, तब कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये अगले लेक्चर में हम लोग बहुत जबरदस्त कंटेंट देने वाले। तो बच्चों पढ़ाई करते रहना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और पढ़ाई करते रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।